दादाजी दादाजी आपने सुना ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। वंदे मातरम तो शब्द ही इतना सुंदर है कि इसे बार बार गाने और सुनने का मन करता है। लेकिन दादाजी आज के दिन ये लोग गाना ये क्यों गा रहे हैं? ये सब 14 और 15 अगस्त के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। दादाजी 15 अगस्त तो मैं जानती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, पर ये 14 अगस्त क्यों? 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ था, उस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। दादाजी ये विभाजन विभीषिका क्या है? विभाजन का मतलब नहीं समझते? जब विभाजन का मतलब नहीं समझते तो विभीषिका का मतलब क्या समझोगे? अरे बच्चों ये देश हमारा पहले बहुत बड़ा था, पर बाद में इसका विभाजन हो गया। मतलब बांट दिया गया? हाँ बांट दिया गया, लेकिन बांटना और विभाजन अलग अलग होता है। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास 10 ट्रॉफी है, तुम दोनों को आपस में बांटना है, कैसे बांटोगे? पांच पांच बांट लोगे। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक ही ट्रॉफी है तो क्या करोगी? मैं उसे तोड़कर दो हिस्सों में बांट दूंगी। अरे बच्चे ये तोड़ना उसे खंडित खंडित कर देना यही विभाजन होता है, और इससे जो पीड़ा उपस्थिती है जो तकलीफ होती है वही विभीषिका है। तो दादाजी ये विभाजन तो समझ में आ गया, लेकिन ये विभीषिका विभाजन विभीषिका? चलो बताता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं छाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं छाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दादाजी ये विभाजन कैसे हुआ था हमें अच्छी तरह से बताइए ना। बैठो बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। विभाजन के बारे में बताता हूँ, विभाजन पर इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है उसे गौर से सुनो, ध्यान देकर सुनो। धर्म के नाम पर हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लाखों लोग इस पार से उस पार भागने लगे, चारों तरफ भगदड़ मच गई, लाखों लोग बेघर। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, अखंड भारत का विभाजन, अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन का एक दर्दनाक काला इतिहास है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश कर रहे थे। विश्वास और धर्म के आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी के अतिरिक्त ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली तथा सह अस्तित्व का युग एकदम नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। लगभग 60 लाख हिंदू सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्रों को छोड़कर आए वो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बने। 65 लाख मुसलमान पंजाब दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल जो कि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख और हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फल स्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और आपसी विश्वास का संबंध टूटा। आँखों से बहते ये दर्द की धारे, छूटी हुई
दादाजी, इन लोगों का घर बार सब छीन लिया गया, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। ये देख, डरने वाली बात तो है ही मेरे बच्चे। सोचो जो लोग उस वक्त रहे वो होंगे, उन पर क्या गुजरी होगी। दादाजी वहां तो मेरे जैसे बच्चे भी होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे थे जिन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, और आज भी उस दृश्य को याद कर उनके सिहर उठते हैं। हमें और बताइए ना दादाजी। बताता सुन। ये देखो बंगालिया का अच्छा पहाड़िया का है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में बंदे वादा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से पिघलते हो ये धरती है दुनिया की। बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम। Sit down. Good morning sir. Good morning. अरे सर सुनिए ना, आप वो विभाजन के बारे में कुछ बता रहे थे, आपने गाना भी गवा दिया, अब आगे बताइए ना विभाजन के बारे में क्या हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी। सर इसके आगे तो मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। हाँ हाँ बताओ। हाँ तो दोस्तों सरकार ने 30 जून 1948 से पहले। अरे पूनम वहां कहां से, यहाँ आकर बताओ ना सबको। जी सर। हाँ तो दोस्तों सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत को छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि पूरी प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से एक साल पहले ही कराया गया था। हाँ सर, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता हस्तांतरण पर मंजूरी लेकर नई दिल्ली लौटे थे। हाँ मुझे भी याद आया, 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर मोटे तौर पर सहमति हुई थी। हाँ सर, भारत के विभाजन का निर्णय एक शर्त की तरह था, भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो। इस योजना का व्यापक विरोध हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए केवल वे ही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिनको इस विभाजन में अपना हित और उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था। अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारी जानकारी है। अब आगे की क्लास हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भाई तुम्हारा विभाजन को लेकर क्या ख्याल है? भाई विभाजन को बढ़ावा देने से समाज में सुधार होगा, विभिन्न समुदायों को अपने अपने अधिकार मिलेंगे। नहीं नहीं, विभाजन से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे एकता से ही समाज का विकास होगा, हम सबको समृद्धि की राह में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे ये बातें अच्छी है, लेकिन वास्तविकता यही है कि विभाजन से ही सब कुछ संभव होता है। नहीं नहीं, हम सबको मिलकर देश को प्रगति पथ पर ले जाना चाहिए और विभाजन की विभीषिका को मिटाना ही चाहिए। तुमको क्या लगता है हम सब मिलकर ये संदेश अपना पाएंगे? बिल्कुल अपना पाएंगे, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, और ये एकजुटता ही हमारी धरोहर है, इसे संजो कर रखना पड़ेगा। ठीक है, पर मुझे अखंड भारत के विभाजन के समय और क्या क्या हुआ था वो तो बताओ। अब इसके बारे में तो तुम्हें वही बताएंगे जिसने इसको भोगा। हाँ तो बच्चों आगे चले। यस सर। तो आगे सुनो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में हुई थी। सर एक बार फिर से मुझे इसके आगे का मालूम है, मैं बताऊं? हाँ बताओ। तो दोस्तों वहाँ पर विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ, इसके आगे का भी बताओ। अरे वाह पूनम, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, और वैसे भी बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग के साथ साथ वहाँ पर कांग्रेस और अनेक नेताओं की अक्षमता या अनुचित महत्वाकांक्षाओं के कारण उस कदम का पुरजोर विरोध नहीं हो सका। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू
और मुस्लिम लीग के जिन्ना के आपसी द्वंद्व का नतीजा देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। शाबाश, बैठ जाओ। जिसके पक्ष में 300 और विरोध में 10 मत पड़े थे। हाँ सर, और देखते देखते भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। धर्म के आधार पर बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी विभाजित होकर पाकिस्तान में शामिल हो गया था। बच्चों, भारत के विभिन्न हिस्सों में 1946-47 में हुई सांप्रदायिक हिंसा और क्रूरता के बारे में विस्तार से कई जगह पर किताबों में लिखा गया है। अच्छा? हाँ, उन्हीं हिस्सों में से एक था बंगाल, जिसकी कहानी अभी तक मैंने तुमको बताई नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ था दादाजी, बताइए ना। सुनो, बताता। वो 4 मार्च 1947 का दिन था। पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के जुलूस पर गोली चला दी। देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी, मुल्तान, सियानकोट समेत पंजाब के सभी शहर दंगों की लपटों में घिर गए थे। पंजाब की तुलना में बंगाल में दशकों से चले आ रहे विस्थापन और पुनर्वास का रूप बिल्कुल अलग ही था। लेकिन बंगाल के लोग बहुत ही अभागे थे। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों को दो दो बार विस्थापन झेलना पड़ा। दो दो बार? हाँ, दो दो बार। एक बार तो उनको पूरा घर बार छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर यहां से भागकर उन्हें पश्चिम बंगाल आना पड़ा। वहां के अधिकारियों ने विभाजन से उत्पन्न पीड़ा को बड़ा ही कमतर आंका था। हजारों हजार हिंदू लोग ढाका और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर सियालदा पहुंचे। इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। एक एक महिलाओं से उनके जेवर छीन लिए गए, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। बूढ़े, बच्चे, महिलाओं, सबके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। यह सच है, विभाजन में सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ी। सभी परिवार अपने परिजनों से बिछड़ वो ट्रेन पर चढ़े थे यहाँ पर आने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ लौटे तो सिर्फ लाशों का ढेर थे। नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। दादाजी, हमारे देश के लोगों को तो बहुत बुरा सहना पड़ा। दादाजी, ढाका से आए उन लोगों को क्या हुआ जिनके अपने छूट गए, जिनके जिनका घर छूट गया, जिनके जिनका सब कुछ लूट गया। अरे बच्चे, उनकी कहानी बड़ी अजीब थी। वो कहते हैं ना, न घर के रहे न घाट के। ऐसा क्यों? वो अपना सब कुछ छोड़कर जब दोबारा इस देश में आए तो अपने ही घर में रिफ्यूजी बनकर रह गए। पाकिस्तान से कई लोग बंगाल में आए। किसी के घर में 1 इंच भी जगह नहीं थी अपने संबंधियों को रखने के लिए। और पश्चिम बंगाल सरकार ने चटगांव, नारायणगंज, बारीसाल और चांदपुर से शरणार्थियों को कलकत्ता लाने के लिए 15 स्टीमरों की व्यवस्था की। पूर्वी पाकिस्तान से लोगों ने जल मार्ग से पलायन किया था, आधी नावें उनकी वहीं डूब गई। समुद्र की तह पर लोगों की लाशें पड़ी रही, तैरती रही। ऐसा क्या खास था हमारी जमीन में जिसे हासिल करने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। बंगाल, पंजाब, गुजरात, सिंध, चारों ओर विभाजन की आग सुलग गई। बंगाल, पंजाब, गुजरात,
ये दोनों आधे आधे टुकड़े में विभाजित हो गए, लेकिन सिंध सिंध हमें ना मिल पाया। हाँ, सिंध से याद आया, सबसे अधिक सिंधी परिवार राजस्थान में आए। ठीक कहा तुमने, विभाजन के बाद पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी आए और राजस्थान उन राज्यों में से था जहां बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए। राजस्थान में हम जैसे शरणार्थियों की राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे आने के बाद राजस्थान की संस्कृति के ताने बाने में भी बदलाव आए। हम अलग अलग दिखने लगे, हमारी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज सब बदल गए। सिंह में मैं एक बड़ा व्यापारी था और यहाँ 2 जून की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा। हमारी दुकानें और घर बार को लूट लिया गया। उस रात को कैसे याद करें बाबू, जब अपने बच्चों को गोद में लेकर मैं भागी थी। भागते भागते बचते बचाते अपने एक रिश्तेदार के घर कैसे कैसे राजस्थान के बीकानेर में पहुंचा। हमारे नाते रिश्तेदार रास्ते में ही बिखरते चले गए, हम उनको आज तक नहीं देख पाए। कुछ लोग तो झुंझुनू में रहे, वे भी कब तक हमें अपने साथ रखते। अंत में इस रिफ्यूजी कैंप में आना ही पड़ा। हंसते खेलते परिवार, गांव शहर किस तरह बर्बाद होते, कोई हमसे पूछे। पाकिस्तान से लोग जम्मू कश्मीर की ओर भागे, पंजाब की ओर आए, गुजरात, बंगाल, राजस्थान की ओर लाखों की संख्या में आए। जीवन की हर सुबह मुस्कान से पुलकित हो उठती थी, वहां का मंजर देख आंसू भी खून हो गए। ना है ज्यादा दर्द तेरे भार का कंधे पर, जब जब तौलता हूं उसे दहशत जंग और क्रूरता से। विभाजन की विभीषिका में मारे गए और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतीयों को हमारा शत शत नमन। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। विभाजन के सियासी खेल में एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई के दिमाग में जहर भरा गया और इसी जहर से इंसान ने इंसान को काटा, इंसान ने इंसान को बांटा और इंसान ने ही इंसान को खोया और हमारा अखंड भारत खंडित हो गया। जो हुआ सो हुआ। सुनो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे देश के लाखों बहनों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उनके संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का हमने निर्णय लिया है। हमारे बीच यदि धर्म और जाति को लेकर कोई छल करे या प्रपंच करे, हमें बहकावे में नहीं आना है। हमें बहकावे में नहीं आना है। भारत देश को अखंड रखना है। भारत देश को अखंड रखना है। अब हम इस
में नहीं आएंगे, सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अखंडता और एकाग्रता के साथ, सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे, अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। आओ हम सब प्रण करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है, अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के लिए सदा जीवन ये अर्पण करना है, देश के लिए सदा जीवन ये अर्पण करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम एक थे, हम एक है और एक ही रहेंगे, हम एक थे, हम एक है और एक ही रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है, अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम,